जैसा कि दोस्तों स्कोडा अपनी जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी स्कोडा एनयॉक को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 3 बैटरी साइज और 5 पावरफुल वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। स्कोडा की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन साल 2020 के अंत तक हम सभी के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी लॉन्चिंग 2021 के स्टार्टिंग में करी जाएगी। स्कोडा इक्वेन को एक बार फुल चार्ज होने पे पूरे आपको 500 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों कार में लगेज रखने के लिए 580 लीटर की जगह मिलेगी। स्कोडा ईवी का टॉप मॉडल 6.2 सेकंड में 0 से लेकर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में क्षमता रखता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की है। चार्जिंग की बात करें तो ये कार दोस्तों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये केवल ही 40 मिनट में 80% तक चार्ज पूरी हो जाती है। साथ ही साथ एनयॉक VI80 वेरिएंट में आपको 150 kW की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है और 82 kWh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि इसके दो अन्य वेरिएंट में आपको यानी 8X और VRX में आपको 82 kWh की बैटरी देखने को मिलती है। 8X वेरिएंट में दोस्तों आपको 195 kWh के साथ साथ VRX वेरिएंट में आपको 225 kWh की पावर प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। कार के दोनों ही वेरिएंट सेकंड इलेक्ट्रिक मोटर और ऑल व्हील ड्राइवर के साथ आएगी। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के टॉप वेरिएंट की बात करें जो कि है IV50, उसमें आपको 55 kWh की लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसका रियर मॉन्ट्यून इलेक्ट्रिक मोटर आपको 109 kWh की पावर प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। ये एक बार फुल चार्ज होने पे 340 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकती है। और बताना चाहूँगा कि IV60 वेरिएंट में आपको एक 132 kWh की पावर वाली इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी दी जाएगी, जो कि आपको 62 kWh की बैटरी के साथ मॉड्यूल 390 किलोमीटर तक आराम से चल पाएगी। दोस्तों अगर कीमत की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में स्कोडा कई अन्य इलेक्ट्रिक कारों को देखते हुए इस कार की कीमत को भी काफी अच्छा रिजनेबल प्राइस रखने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग कीमत दोस्तों इस ईवी की मात्र 4.50 लाख रुपीस से होने वाली है। अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 7.40 लाख रुपीस तक जाने वाला है। दोस्तों ये तो काफी अच्छी बात है कि स्कोडा भी अब मैदान में उतर चुकी है अपनी नई ईवी के साथ। तो भारतीय बाजार में देखना ये होगा कि कौन सी कार सबसे ज्यादा बिकने वाली है। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट जाइए, अपनी राय हमें बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल।